हेलो डियर लर्नर, मैं सौरभ पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेबल विद बायोसाइंस में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलेट्स। एनिलेट्स के हम क्लासिफिकेशन पार्ट को सब कवर करेंगे और साथ में उसके एग्जांपल्स को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो इंट्रोडक्टिव पार्ट हम लोगों का हो गया था, करेक्टरिस्टिक पार्ट हो गया था। हम लोगों ने इसके एक एक करेक्टरिस्टिक को अच्छे से कवर किया है, हैबिटेट हुआ, इसमें सेगमेंटेशन कैसा पाया जाता है, कैसी सिमेट्री पाई जाती है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, कैसे इसके जर्म्स लेयर पाए जाते हैं, आउटर कवरिंग क्या होती है, सीलोम कैसा होता है, इसका लोकोमोशन कैसे होता है, और इसके बाद इसमें जो स्विमिंग के लिए कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, ये सारे पार्ट हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। इसमें किस टाइप के सिस्टम कितने डेवलप होते हैं, कौन से सिस्टम नहीं डेवलप होते हैं, ये भी कवर किया। इसमें से ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं क्या होते हैं, डायोशियस होते हैं, मोनोशियस होते हैं कि दोनों होते हैं, ये पार्ट भी हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी पार्ट भी हम लोगों ने इसका अच्छे से कवर किया है। इसके बाद फिर जो आता है पार्ट वो है इसका क्लासिफिकेशन पार्ट। ओके, क्लासिफिकेशन पार्ट आता है तो इसके क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसके कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसके ऑर्डर्स को नहीं कवर करेंगे क्योंकि क्लास 11th एनसीईआरटी में ऑर्डर्स को नहीं दिया गया, केवल क्लासिफिकेशन पार्ट को दिया गया है, इसलिए हम केवल क्लासिफिकेशन पार्ट को कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से ही पूछते हैं कि इसमें कितने क्लासेज हैं। ओके, ये तो हम केवल इतना ही कवर करेंगे। तो फाइलम जो एनिलिट्स हैं उसको देख लेते हैं। प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ, इसको किस बेस पर डिवाइड किया गया है, सीटी, पैरापोडिया, मेटामर्स, मतलब जो सीरियल इसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है उसके आधार पर, मॉर्फोलॉजी के फीचर्स के आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया है। एनिमल को कितने भागों में, चार भागों में, चार क्लासेस में। पहला है पॉलीकीटा, दूसरा है ओल्गोकीटा, तीसरा है हीरोडिनिया, चौथा है आर्की एनिलिडी। तो सबसे पहला जो है पॉलीकीटा। पॉलीकीटा को जैसे कि नाम से, पॉली मतलब होता है मेनी एंड कीटा मतलब होता है हेयर, जिसमें बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये नेरिस है, नेरिस में बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पॉलीकीटा। इसमें पॉलीकिट्स भी आते हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज ब्रिस्टल वर्म। ब्रिस्टल वर्म को हमें ब्रश लाइक जो वर्म्स होते हैं, इनमें जो वो चारों तरफ ब्रश लाइक जो पैरापोडिया और सीटी वगैरह पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। दे आर मोस्टली डाइवर्स ग्रुप इन एनिडी, ये ज्यादातर मोस्ट डाइवर्स ग्रुप यही होता है पॉलीकिटा। चीफली मैराइन, ज्यादातर मैराइन होते हैं, सम आर फ्रेश वाटर में रहते हैं। कुछ फ्रेश वाटर में सेगमेंटेशन जो होता है इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है। हेड जो होता है डिस्टिंक्ट तो है आई, पल्प और टेंटिकल्स में डिवाइड हुआ। आप देख सकते हैं ये आई इसकी हो गई, ये इसका पल्प भाग हो गया, ये इसके टेंटिकल्स के पार्ट हो गए। ओके, इसमें सीटी जो होती है न्यूमरस होती है, देख सकते हैं आप बहुत सारी सीटियां दिख रही हैं इसमें। और ऑन द लैटरल पैरापोडिया किस पर होती है, ये जो पैरापोडिया है इसी पर अरेंज होती है। सीटीज एग्जिस्ट एज अ बंडल, वो कैसे बंडल रूप में दिखते हैं, जैसे ये देख सकते हैं ये बंडल रूप में, जैसे एग्जांपल में ले देते हैं, मान लो ये ब्रिस्टल है, ये पैरापोडिया, इसी पे ऐसे ऐसे बंडल टाइप में एक ही उससे पैरापोडिया ढेर सारी सीटियां निकली रहती हैं। क्लाइटिलम जो होता है अब्सेंट होता है। क्लाइटिलम क्या होता है, क्लाइटिलम एक थिक सैंडल लाइक रिंग फॉर्म करता है, वो रिंग वर्म होता है। ये लाइट कलर पिगमेंटेशन का होता है और ये सिक्रीट करता है एक बिस्कट सैक टाइप में, ऐसे सैक टाइप में फॉर्म करता है, ऐसे सैक टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इंटीरियर पार्ट में, इस हेड पे। ओके, लेकिन इसमें अब्सेंट होता है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, एक के स्टोरेज में हेल्प करता है। इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, नेरिस जो होता है मेल फीमेल अलग होता है। गोनाइट आर एब्सेंट, इनमें गोनाइट एब्सेंट होते हैं। टेम्पोरली ऑन द सम स्पीसीज में पाए जाते हैं तो टेम्पोरली पाए जाते हैं, परमानेंटली पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द सेगमेंटेशन बियर गोनाइट इन मेनी स्पीसीज इन दिस, मतलब ज्यादातर जो सेगमेंट होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, गोनाइट साइड में। द गैमिट्स आर सेड इन द सीलोम एंड स्पॉन थ्रू द मेट नेफ्रिडिया। ये क्या करते हैं, जो गैमिट्स होते हैं सेट मतलब छोड़ देते हैं इनटू सीलोम, सीलोम में इसके बाद, और ये क्या करते हैं, स्पाउनिंग करते हैं किसके किसके माध्यम से, मेटानेफ्रिडिया के माध्यम से। स्पाउनिंग का मतलब क्या होता है, स्पाउनिंग ये क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव सीजन कह सकते हैं होती है, जिसमें ये स्पाउनिंग करते हैं, एग लेइंग करते हैं फुल मून में। ओके, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इमेज ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है, एंड डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है।
जाहिर सी बात है, अगर जिसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा तो उसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, वो कौन सा लार्वा पाया जाता है? ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। नेरिसिस का एग्जाम्पल है, ट्राइकिनिकोला है, चिपटर है। नेरिस आपने पहले देख लिया था, ट्राइकिनिकोला आप देख सकते हैं और चिपटर आप देख सकते हैं। ओके, ओलिगोकीटा फाइलम सेकंड क्लास है हमारा ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा में क्या है, ओलिगोस मतलब होता है फ्यू, ओके, और किट्स मतलब हेयर, जिनमें कुछ हेयर पाए जाते, फुल्ली बॉडी, जैसे कि पॉलीकीटा में फुल बॉडी में हेयर पाए जाते हैं, वैसे ओलिगोकीटा में फुल बॉडी में हेयर नहीं पाए जाते। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, समार फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर भी होते हैं कुछ, और सेगमेंटेशन इसमें इंटरनल एक्सटर्नल, इसमें भी दोनों में ही एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन देखने। हेड जो होता है इसमें सेंसरी ऑर्गन, विदाउट ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं, इनमें किसी भी तरीके का सेंसरी ऑर्गन है। अपेंडिजेस आर एब्सेंट होते हैं, इनमें अपेंडिजेस एब्सेंट होते हैं, ओके। वाह अंग जैसे कह सकते हैं, एनिमल बिलोंग टू, जितने भी एनिमल्स इसमें बिलोंग करते हैं उनमें अपेंडिजेस एब्सेंट होते हैं। सीटी फ्यूज, इनमें बहुत सारे बंडल्स टाइप में सीटी नहीं पाए जाते, फ्यू सीटी पाए जाते हैं। कहाँ पे, स्किन में। पैरापोडी एब्सेंट होता है। क्लाइटलम डेवलप एट द सेक्सुअल मेच्योरिटी, क्लाइटलम कब डेवलप करता है, सेक्सुअल मेच्योरिटी पर डेवलप कर जाता है। दिस क्लाइटलम विल बी ग्लैंडुलर, क्लाइटलम हेल्प इन कोकून फॉर्मेशन, किसमें हेल्प करता है, कोकून फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब ये कोकून फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और साथ में जब एक की स्टोरेज में भी हेल्प करता है। हर्मोफ्रोडाइट एनिमल होते हैं, ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, ओके, मतलब मेल फीमेल एक में ही होता है, जैसे अर्थवर्म हो गया। टेस्टिस एंटीरियर, जो टेस्टिस होता है एंटीरियर टू ओवरी, ओवरी के एंटीरियर पार्ट में होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है इनमें, इन कोकून, ओके। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, नो लार्वल स्टेज पाई जाती है, ये जैसे पेरिथीमा, ल्यूम्ब्रिकस, ट्यूबीफर्स, ये सारे हो गए, ओके। ये ट्यूबीफिक्स है, पेरिथीमा, ल्यूम्ब्रिकस, ये है। थर्ड क्लास है हमारा हिरुडिनिया। हिरुडिनिया मतलब है, हिरुडो मतलब होता है लीच, ओके, लीच जो ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं, ओके, उस वो केस में आते हैं हिरुडिनिया में। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, मेराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल, तीनों पे सरवाइव कर जाते हैं। मॉइस्ट लैंड में भी पाए जाते हैं, जनरली इक्टोपैरासिटिक होते हैं, ये इक्टोपैरासिटिक होते हैं, ब्लड सकिंग होते हैं। आप देखते होंगे लीच चिपक जाती है तो ब्लड करती है, और कार्निवोरस प्रीडेटर होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं और ये प्रीडेटर पे निर्भर करते हैं। बॉडी विद फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंटेशन, इसमें बॉडी एक परमानेंट फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, जैसे लीच में 33 देखने को मिलता है। ईच ऑफ दीज सेगमेंट इज एक्सटर्नली टनी सब डिवाइडेड इनटू एनुली, इनमें जो जो ईच सेगमेंट क्या डिवाइड होता है, सब डिवाइड होता है एनुली में। जैसे ये एक सेगमेंट हो गया तो इसमें फिर से डिविजन होगा एनुली में, ओके, ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ईच सेगमेंट सब डिवाइडेड एक्सटर्नली इनटू एनुली, मतलब ये अगेन रिपीटेड हो गया कि मतलब ईच सेगमेंट जो है सब डिवाइडेड होता है एनुली में। सेगमेंटेशन एक्सटर्नल देखने को मिलता है विदाउट इंटरनल सेप्टा, इनमें जो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है इंटरनल होता है, इनमें किसी भी तरीके का सेप्टा देखने को नहीं मिलता है। अपेंडिजेस और पैरापोडिया एंड सीटी, ये तीनों ही अब्सेंट होते हैं इनमें, हिरोडिनिया में। अपेंडिजेस भी अब्सेंट, किसी भी लीच में आपको किसी भी तरीके का अपेंडिज देखने को नहीं मिलता, इस टाइप की नहीं होती वो लीच, ओके। और पैरापोडिया भी देखने को, स्विम भी करने के लिए कुछ नहीं होता इनमें, सीटी भी नहीं होती। और इसमें क्या होता है, बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंड ऑफ बॉडी विथ सकर, इनमें जो पोस्टीरियर इंड पे भी सकर देखने को मिलता है और एंटीरियर इंड पे भी सकर देखने को मिलता है। दीज सकर आर हेल्पफुल इन लोकोमोशन, यही सकर की मदद से देख सकते हैं, ऐसे चिपका के ये फिर मूव करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करती है। शीलोम मच रिड्यूस, इनमें शीलोम मच ज्यादातर रिड्यूस होता है ड्यू टू फीलिंग बाई बोट्रॉइडल टिश्यू, इनमें क्योंकि बोट्रॉइडल टिश्यू पाया जाता है इसलिए ये सीलोम जो होती है वो ज्यादातर रिड्यूस होती है, और फॉर्म या तो फॉर्म करती है हीमोसिलिक साइनस फॉर्म करती है, जो कि ब्लड को सक करने का काम करता है। हर्मोफ्रोडाइट होती है विथ वन मेल एंड वन फीमेल गोनोपोर, ओके। कपुलेशन हर्मोफ्रोडाइट विथ पेनिस, ओके। फर्टिलाइजेशन इनमें भी इंटरनल पाया जाता है, डेवलपमेंट इन कोकून डायरेक्ट विदाउट लार्वल स्टेज, ओके। अगर डेवलपमेंट इनमें कैसे पाया जाता है, कोकून में डायरेक्ट होता है और विदाउट लार्वल स्टेज में होता है, इनसाइड द कोकून, ओके। एग्जाम्पल हिरुडिनिया और हिरुडू, ये आपका हिरुडिनिया हो गया, ये हिरुडू हो गया। क्लास
क्लास फोर्थ है हमारा आर्की एनिलिडा। आर्की मतलब होता है फर्स्ट, एनिलिडा मतलब आप जानते हो रिंग वर्म। ओके, अबाउट द डजन जेनरा ऑफ स्मॉल मेराइन वर्म्स आर अननोन एफिनिटीज। ओके, सेगमेंटेशन इनमें चीफली इंटरनल होता है। नो पैरापोडिया सीटी, इसमें किसी भी तरह की पैरापोडिया सीटी नहीं पाए। डजन ऑफ एरिया, ये डजन नंबर ऑफ जेनरा होते हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं मेराइन वर्म इन्हें कहते हैं। ओके, सेक्सेस देखने को सेपरेट होता है, मतलब ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, डायोसियस एनिमल होते हैं, मोनोसियस नहीं होते हैं। यूजुअली ट्रोकोफो, इनमें ज्यादातर मतलब डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है, इसलिए ट्रोकोफो लार्वा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है पॉलीगोडियम, डोनोफिलस एंड प्रोटोड्रिलस। आप पॉलीगोडियम को देख सकते हैं, डोनोफिलस को देख सकते हैं। तो ये हमारा जो फाइलम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिड्स है ये कंप्लीट होता है। तो कल हम लोग मिलते हैं, इसके एमसीक्यू पार्ट को कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। सत मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।